Hey guys, welcome back to Hoops Pandit. मैंने इसके पहले भी इंडियन पर्सनैलिटीज इन NBA करके एक वीडियो अपलोड किया था, बट उस वीडियो को कुछ 15 मिनट के लिमिट में रखने के चक्कर में मैंने उसमें कुछ इंडियन पर्सनैलिटीज को जानबूझ के इंक्लूड नहीं किया था। बट आज के 3 मिनट तड़का में मैं इन्हीं कुछ बाकी बचे हुए इंडियन पर्सनैलिटीज इन NBA को आपको पूरी तरह से बताने वाला हूँ। सो चलो जानते हैं इंडियंस इन NBA पार्ट 2 के बारे में। फर्स्ट इज अमजोत सिंह गिल। सो दोस्तों, अमजोत को NBA के जी लीग टीम ओक्लाहोमा सिटी ब्लू ने 2017 में कॉन्ट्रैक्ट दिया था और वो 2017-18 के सीजन में ओक्लाहोमा सिटी ब्लू से जी लीग में खेला था। वो बस एक ही साल ओक्लाहोमा सिटी ब्लू से खेला, बट अमजोत आज तक जी लीग में सबसे ज्यादा मिनट्स और पॉइंट्स एवरेज करने वाला इंडियन प्लेयर रहा है। 2017-18 में अमजोत ने OKC ब्लू के लिए 8.7 मिनट्स और 2.4 पॉइंट्स एवरेज किए थे। इसके बाद आता है इंडियन अमेरिकन कॉमेडियन हसन मिनाज और अभिषेक बच्चन। गाइस, इन दोनों ने NBA ऑलस्टार वीकेंड में पार्टिसिपेट किया था। हसन मिनाज 2019 में और अभिषेक बच्चन ने 2015 में NBA के ऑलस्टार वीकेंड के सेलिब्रिटी गेम में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट अप इज सोनिया रमन। 2019 में मेम्फिस ग्रिजलीज ने सोनिया रमन को असिस्टेंट कोच के तौर पे हायर कर लिया था। उन्हें हायर करने के बाद में वो NBA के हिस्ट्री की सिर्फ 14th फीमेल असिस्टेंट कोच बनी थी। मेम्फिस में आने के पहले सोनिया मैम ने MIT के बास्केटबॉल टीम को कोच किया था, जहां पर वो 2 बार टाइटल भी जीते थे, और वही देख के मेम्फिस ग्रिजलीज ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें असिस्टेंट कोच बना दिया। ऐसे ही और 2 इंडियन अमेरिकन असिस्टेंट कोचेस NBA में आते हैं, मिस्टर रॉय राणा और मिस्टर विन भवनानी। मिस्टर रॉय राणा एक्चुअली कनेडियन है और वो बचपन से ही बास्केटबॉल के दीवाने रहे थे। वो 2009 से लेकर 2019 तक टोरंटो के फेमस रायरसन यूनिवर्सिटी के बास्केटबॉल टीम के कोच रहे थे। उन्होंने इस 9 साल के दौरान रायरसन यूनिवर्सिटी को टोटल 6 नेशनल चैंपियनशिप जिताई थी, और यही अच्छे परफॉर्मेंसेस देखकर उन्हें 2019 में सैक्रामेंटो किंग्स ने कोचिंग स्टाफ में लाया। आजकल वो सैक्रामेंटो किंग्स के लिए जनरली यंग प्लेयर्स के डेवलपमेंट में काम करते हैं। फिर बाद में आते हैं मिस्टर विन भवनानी। ये भी पिछले 15 साल से NBA में काम कर रहे हैं। मिस्टर भवनानी को सबसे पहले एक वीडियो कोऑर्डिनेटर के तौर से NBA में काम मिला था, और वहां से उन्होंने एक एक करके बास्केटबॉल को सीखा और फिर धीरे धीरे करके वो एक अच्छे असिस्टेंट कोच खुद ही बन गए। आज मिस्टर विन भवनानी ओक्लाहोमा सिटी थंडर के लिए एक असिस्टेंट कोच करके काम करते हैं। सो गाइस, ये कुछ रहे और इंडियंस जो NBA के साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और NBA के दुनिया में लेटेस्ट क्या चीजें हो रही है ये जानने के लिए मेरे सेकंड चैनल हुप्स अड्डा को भी जरूर विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं केदार एंड आई विल सी ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय।